नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली बटा न्यूज चैनल पर। आज आपके सामने एक नई खबर किसका आएगी आपको बदला देंगे। अमेजॉन को बड़ा झटका लग गया है। फ्यूचर ग्रुप केस में लगा उन्हें 200 करोड़ का जुर्माना, 45 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। एनसीएलएटी ने अमेजॉन फ्यूचर सौदे में सोमवार को अपना आदेश जारी कर दिया है। एनसीएलएटी ने इस मामले में अमेरिकी कॉमर्स कंपनी को 45 दिनों के भीतर 200 करोड़ रुपए जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है। जी हां, आपको बता दें, नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलएटी ने सोमवार को अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन को तगड़ा झटका दे दिया। एनसीएलएटी ने अमेजॉन फ्यूचर डील को लेकर अपना आदेश जारी कर दिया। एनसीएलएटी ने इस मामले में अमेरिकी कॉमर्स कंपनी को 45 दिनों के भीतर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया। एनसीएलएटी ने कहा कि इसका काउंटडाउन आज यानी 13 दिन से शुरू हो गया है। अमेजॉन ने छुपाई सौदे की बहुत सारी जानकारी। जी हां, एनसीएलएटी ने इसके साथ ही साल 2019 में अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच हुए एक निवेश सौदे को सस्पेंड करने के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई के आदेश को भी बरकरार रखा। एनसीएलएटी ने सीसीआई के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि अमेजॉन ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड में अपने रणनीतिक हितों के बारे में पूरी और पारदर्शी जानकारी नहीं दी। बंद हो चुके रिटेल स्टोर चेन बिग बाजार का संचालन फ्यूचर ग्रुप की कंपनी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड यानी एफआरएल भी करती थी। जी हां, आपको बता दें कि अमेजॉन ने दी थी सीसीआई के आदेश को चुनौती। सीसीआई ने भी संबंधित निवेश के सौदे पर सस्पेंड करते हुए कहा था कि अमेजॉन ने जानकारियां छुपाई थी। एनसीएलटी ने सीसीआई की इस बात को से सहमति जताई और कहा कि अमेजॉन एग्रीमेंट्स से संबंधित प्रासंगिक जानकारियां देने में विफल रही। आपको यह बता दें कि सीसीआई ने दिसंबर 2019 में जारी आदेश में अमेजॉन फ्यूचर डील को सस्पेंड किया था। अमेजॉन ने सीसीआई के उक्त आदेश को एनसीएलटी में चुनौती दी थी। जी हां, आपको यह बता दें, अमेजॉन फ्यूचर की इस डील से जुड़ा मामला। जी हां, यह मामला अमेजॉन और फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड के बीच 1400 करोड़ रुपए के निवेश के सौदे से जुड़ा हुआ है। शुरुआत में इस सौदे को सभी जरूरी नियम की मंजूरियां मिल गई थी। बाद में फ्यूचर रिटेल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ हुए सौदे को लेकर विवाद होने पर फ्यूचर समूह की एक कंपनी ने सीसीआई से मंजूरी वापस लेने की मांग करी थी। इस तरह के निवेश के सौदे के लिए सीसीआई की मंजूरी जरूरी होती। फ्यूचर समूह की कंपनी की याचिका पर गौर करने के बाद सीसीआई ने पाया कि अमेजॉन ने कुछ जानकारियां छिपाई थी। जी, आपको यही बता दें कि अमेजॉन के पास बचा सिर्फ यही विकल्प है। सीसीआई का कहना है कि अमेजॉन ने फ्यूचर कूपन में जिस उद्देश्य से पैसे लगाए थे उसने उसकी जानकारी नहीं दी। अमेजॉन ने सीसीआई के आदेश से असहमति जताते हुए उसे एनसीएलटी में चुनौती दी। अब अमेजॉन को एनसीएलटी से भी झटका लग गया है। अमेजॉन के पास अब बस एक विकल्प बचा है, वह एनसीएलटी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। हालांकि अभी अमेजॉन ने इस बारे में कुछ जाहिर नहीं किया है। जी हाँ।